नाव पर सवार होकर आ रहे हैं, नाव पर सवार होकर लोग आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है नाव पर। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं है। जो भी लोग नाव पर आ रहे हैं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है, तो सरकार ने कहने के लिए नियम तो बना दिया कि मास्क पहनना अनिवार्य है, नहीं पहनने पर जुर्माना होगा, लेकिन यहाँ कौन देखने वाला है कि कौन मास्क नहीं पहन रहा है। तो पटना के दियारा इलाके से लाखों लोग इसी तरह से नाव पर सवार होकर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हैं और मास्क बिल्कुल नहीं पहनते। ये सारे मजदूर हैं, सब्जी विक्रेता हैं, पटना के हर इलाके में जाएंगे, घूम घूम कर संक्रमण को फैलाएंगे। तो पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, गांव से नाव के जरिए कोरोना पहुंच रहा है। देखिए कितना बड़ा खतरा है कोरोना के संक्रमण का। और गंगा घाट पर तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, किसी को डर ही नहीं है, लगता है बेखौफ हैं लोग, खतरे के खिलाड़ी बने हुए हैं। न मास्क है चेहरे पर और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा भी ध्यान है, तो किस तरह से खतरे के खिलाड़ी बनकर लोग गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। और ये कह रहे हैं कि गंगा मैया बचाएगी, यानी भगवान भरोसे अपने आप को इन्होंने छोड़ दिया है। जाहिर है कि कोरोना का संक्रमण जो बिहार में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, अब भयानक रूप ले लेगा, क्योंकि लोग बेपरवाह हैं, लोग लापरवाह हैं, और सरकार की तरफ से उन पर कानून फोर्स करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट कराने की कोई व्यवस्था गंगा घाटों पर दिख नहीं रही है। तो गांवों से कोरोना संक्रमित नावों पर सवार होकर लाखों की संख्या में पटना रोज पहुंच रहे हैं, पटना में घूम रहे हैं, कोरोना के संक्रमण को फैला रहे हैं, और फिर पटना से गांव में जा रहे हैं। तो नाव जो है सबसे बड़ा जरिया बन गया है कोरोना के संक्रमण का। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट, वी वैल्यू वर्क वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।